हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार तुर्की अमीरों ने कठपुतली सुल्तानों की नियुक्ति करनी प्रारंभ की। 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के पश्चात तुर्की अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को 1240 से 1242 ईस्वी तक सुल्तान बनाए रखा। उसने अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारियों के एक नवीन पद नायब मुमलकत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद 1240 ईस्वी में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक एतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब तीन दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर। उसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। उसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया और इसके शासनकाल के दौरान सुल्तान की सारी शक्ति 40 सदस्यों के पास थी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। बलबन अमीर ए हाबिस के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। और इसी बीच नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहा और उसके दौरान बलबन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने लगा और धीरे धीरे वह नासिरुद्दीन महमूद का सबसे प्रिय पात्र बन गया। नासिरुद्दीन महमूद यह एक मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में वह कुरान की नकल करना पसंद करता था। मिन्हानुच सिराज ने अपनी तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित की है। उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हराया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उगलू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमलकत का पद मिला। उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, जो बलबन का विरोधी था। इसका प्रमुख नेता इमादुद्दीन रिहान था। रिहान को एक धर्मयुच धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया था। वह शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आज कहा गया है। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया और उसका वास्तविक उत्तराधिकारी बन बैठा।